कमजोरी को ताकत में कैसे बदला जाता है, यह हमने राजस्थान के अंदर आके देखा। राजस्थान को जाना जाता है कि यहाँ पे पानी नहीं होता, अगर पानी होता है तो वो खारा होता है, अगर फसलों के अंदर लगाते हैं तो फसलें नष्ट हो जाती है। उसी खारे पानी को सदुपयोग कैसे किया जाए, इसी चीज के लिए राजकुमार जी ने यहाँ पे झींगा पालन किया है। शुरुआत इन्होंने 4 पौंड से की थी, आज इनके पास 9 पौंड है। शिवपुरा गाँव को झींगा फार्म का गढ़ इन्होंने बना दिया है, जानते हैं कैसे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आज हम आपके लिए एक्वा कल्चर के अंदर उत्तम क्वालिटी के फिश फीड की जानकारी लेकर आए हैं। नाम है अनमोल फीड। एक्वा कल्चर के अंदर सबसे मेन चीज है कि प्रोडक्शन ज्यादा आना चाहिए। प्रोडक्शन आपका जब ज्यादा आएगा, जब आपका फीड अच्छा होगा, उसके अंदर प्रोटीन कॉन्टेंट की मात्रा ज्यादा होगी। और अगर बात अनमोल फीड की करें तो इसके अंदर प्रोटीन कॉन्टेंट की मात्रा 38% है। साथ में इसके अंदर जो इंग्रीडियंट इस्तेमाल किए गए हैं वो बेस्ट क्वालिटी के हैं। इससे जो आपको FCR मिलता है वो सबसे बेहतरीन है, जिसकी वजह से किसान भाइयों के पैसे भी बचते हैं। अनमोल फीड सिर्फ फिश फीड नहीं बनाता है, इसके अलावा वो कैटल फीड, पोल्ट्री फीड और श्रिंप फीड भी बनाता है। यह सारे फीड नोरिचर अम्ब्रेला ब्रांड के अंतर्गत आते हैं, जिसमें फिश फीड मत्स्य बंधु के नाम से आता है। अगर आपको इन फीड के बारे में जानकारी चाहिए या यह फीड खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको हमसे कोई जानकारी चाहिए आप हमें कमेंट जरूर करें। राजकुमार जी, आपने जो झींगा फार्म किया है उसकी शुरुआत कैसे हुई वो बताइए। हमने 4 तालाब से शुरुआत करी थी, उसके बाद दूसरी साल हमने 7 तालाब बना लिए। अब हमारे पास 9 एकड़ में है और इनके अंदर 15 लाख झींगा अभी तैयार है। खूब बढ़िया काम चल रहा है। 2016 से आज तक मेरे को बढ़िया प्रॉफिट मिल रहा है। अब सर एक चीज़ मुझे बताइए कि झींगा जो है वो तटीय क्षेत्रों पे ज़्यादा होता है, गुजरात या महाराष्ट्र, वहाँ पे छोड़ के आप राजस्थान के अंदर कर रहे हैं जहाँ पे पानी की कमी है, वो किस तरीके से क्या सोचा है? ये झींगा के पानी की कमी नहीं है, मीठे पानी की कमी है। झींगा के लिए बेस्ट पानी है यहाँ पर। जी झींगा के लिए तो कौन सा पानी चाहिए? मतलब इसकी क्वालिटी जो झींगा के अंदर खारा पानी है, खारे पानी में क्वालिटी चलती है, एडनेस वगैरह वो बिल्कुल बढ़िया है इसका। सर क्या आपके अलावा भी यहाँ पे और कोई झींगा फार्म कर रहा है? पहली बार राजस्थान में हमने करा था 4 एकड़ में, उसके बाद में दूसरी साल मैंने 7 एकड़ में कर लिया, अब 9 एकड़ में कर लिया। ये देखूँ देख लोग हमारी पंचायत के किसी ने 2 बना लिए, उसके बाद में 4 बना लिए, तो बढ़िया प्रॉफिट मिल रहा है उनको, अच्छा काम लग रहा है, वो बढ़ा रहे हैं। लॉकडाउन के कारण और कम रह गया, लेकिन नहीं तो 2,500 किलो में और बढ़ जाना था। गड है हमारा यहाँ पर झींगा का, पानी की क्वालिटी अच्छी है, मेन चीज़ यही है। सर झींगे को पालने के लिए खारे पानी के अलावा और क्या चाहिए? और इसको चाहिए शुरू में पानी का कलर बनाने के लिए राइस पॉलिश और गुड़, उसका घोल बना के इसका कलर बनाना पड़ता है। उसके बाद में इसके अंदर सीड छोड़ जाती है, उसके बाद में पंखा चलाना पड़ता है, दिन रात पंखे चलते हैं, ऑक्सीजन की ज़रूरी होती है, लाइट चाहिए हर 24 घंटा, लाइट नहीं है जनरेटर से चलाते हैं, ठीक है, जैसे खेती जैसा ध्यान रखना पड़ता है। सर अगर झींगे की शुरुआत करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं? झींगे की शुरुआत ऐसी होती है, शुरू में तालाब बनाना पड़ता है, 6 से 7 फुट गहरा, 2 से 2.5 फुट की चौड़ाई, उसके अंदर पन्नी लगाई जाती है तिरपाल, जैसे पानी चूसता है उस ज़मीन में, जिसमें पानी नहीं चूसता हो उसमें खाली वैसे भी ये यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में पानी डाला जाता है 5 फुट पानी में तैयार करा जाता है, प्लॉन्टून बनाना पड़ता है, जैसे राइस पॉलिश गुड़ और इसका घोल बना के 50 घंटे तक छोड़ दो, वो पानी के अंदर डाला जाता है एरिएटर के आगे, पंखे के आगे, पंखे से ये तैयार होगा, उसके बाद में झींगा छोड़ा जाएगा। और pH वगैरह यहाँ किट होती है, उससे डेली चेक करना पड़ता है, और ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, जैसे पंखा टाइम का टाइम चलना चाहिए, बिजली और जनरेटर की बढ़िया ज़रूरी है, 4 टाइम फीड पड़ती है और मेडिसिन भी डालना पड़ता है, बच्चों को फीड मिला के देना ही पड़ता है, पानी के अंदर भी डालना पड़ता है, ठीक है, रात के टाइम में देख रेख करनी पड़ती है पंखा बंद नहीं हो जाए, ठीक है, जैसे खेती में मेहनत करनी पड़ती है वैसे इसमें मेहनत करनी पड़ती है, ये तो होता है। अब सर ये बताइए कि अगर जैसे आप 200 बाई 200 फुट का बता रहे हैं तो उसके अंदर
झींगे के बच्चे कहाँ से आते हैं और कितने बच्चे उसके अंदर हमें डालने पड़ते हैं? ये सर आंध्रा से आते हैं, ठीक है, ये 1.5 लाख प्लस बोनस, इससे पालतू बच्चा नहीं डालना चाहिए, उसमें नुकसान है। अगर 1.5 लाख बच्चा रह जाता है तो 10 और 15 ग्राम का होने के बाद में 5-5 कूटर निकलवा दो, उसमें प्रॉफिट रहेगा। ज़्यादा झींगा डालने से प्रॉफिट नहीं होगा, वो प्रॉफिट मेडिसिन वालों को जाएगा, किसान को नहीं मिलेगा। तो अगर बात करें जैसे झींगे की, जैसे आपने 1.5 लाख डाला, तो कितना झींगे का बच्चा कितने रुपए में आता होगा 1.5 लाख? वो ऐसे सर 50 पैसे से लेके 75 पैसे तक का एक फीस आता है। जी, अच्छा। तो और अगर इसके बाद बात करें, जैसे आपने 1.5 लाख डाल लिया, तो जो आपने बताया साइज 20 ग्राम का, वो कितने दिन में हो जाता है और किसान जो है कितने ग्राम तक का निकाल सकते हैं? किसान वैसे तो 10 ग्राम से शुरू कर देता है, लेकिन उसमें प्रॉफिट नहीं होता। जैसे 1.5 लाख सीड डालेगा तो 15 और 20 ग्राम के बीच में निकालेगा, उसको पैसा बढ़िया मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे 1 लाख बच्चा रख लिया, तो वो अगर 35 या 40 ग्राम का हो गया 4 महीनों में, तो 4 टन माल हो गया, तो उसमें प्रॉफिट बढ़िया मिल जाता है। अब सर आपने जैसे बात बताई प्रॉफिट के, ये बताइए कि प्रॉफिट लिया जब जाएगा, जब आपको ये पता चलेगा कि बेच कितने में रहे, कितने में बेच रहा है? कितने में बेच रहा है जी? जैसे 35-40 ग्राम का बच्चा जाएगा 500 रुपये किलो जाएगा। अच्छा, यहाँ से आएंगे लेने वाले। अच्छा, यहाँ से गाड़ी लोड करेंगे। छोटा बच्चा थोड़ा कम भाव में जाता है, लगभग 300-250। तो सर इसमें ऐसा तो नहीं होता कि जैसे ऐसा होता है ना किसी चीज़ पे भेड़ चाल चलती है, मछली पे चला तो मछली बिकना बंद हो गया, ये हो गया। झींगे का तो फिलहाल में ऐसा कुछ नहीं है कि माल पड़ा हुआ है और झींगा बेचना हमें 20 ग्राम का है और 60 ग्राम तक का हो रहा है, माल जा ही नहीं रहा है। कितने भी ग्राम का हो वो भी चलेगा, सब बिक रहा है जी। ये माल डटने वाला नहीं है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। सर हमें झींगा दिखाइए कि झींगा होता कैसे है। ये ऐसा है झींगा, देख लो आप। तो सर ये बताइए ये झींगा कितने दिन का होगा और कितने ग्राम का होगा अंदाजन? ये 25 ग्राम का झींगा, कम से 25 और 30 ग्राम का जी। 3 महीने का। अब सर जैसे आप झींगा पाल रहे हैं, ये बताइए कि क्या इसके अंदर ऐसा तो नहीं है कि बीमारियां इतनी ज़्यादा हो, लोग बाग मछली पालन ही चुने, इसे चुनने में दिक्कत आती हो? बीमारी ऐसा है कि ज़्यादा गंदगी मत न होने दो, उससे अमोनिया बन जाता है जी। और जैसे पानी बरसात ज़्यादा आ जाती है, कुछ नाइट्रस जाती है, तो हमारे पास किट है जी। और कुछ दवाई देने से नमक वगैरह, जैसे मीठा गिरने गुड़ गिरने से अमोनिया ख़त्म हो जाता है जी, जी, जी। तो नॉर्मल बीमारी आती है। अच्छा, मतलब कि बीमारियों का आप वो कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं अगर ठीक से काम करें? बिल्कुल कर सकते हैं, यही करते हैं जी। किट से पानी चेक करो, उसको पता लग जाए, अगर नाइट्रेट है तो नमक गिर दो, और बाकी अमोनिया है तो उसके अंदर चीनी या गुड़ डाल दो। सर फीड का और बताइए कि फीड किस हिसाब से देते हैं झींगे को? अच्छा, फीड देते हैं जो छोटा बच्चा होता है उसको कम पड़ती है, 700 ग्राम से शुरू होती है जी, जी। 1.5 लाख झींगा पर जी। उसके बाद में धीरे धीरे 50 ग्राम डेली बढ़ाई जाती है जी। लास्ट में जो बड़ा हो जाता है तो 15 किलो फीड तक चल जाता है, बीच में निकालना ही पड़ता है कुछ जी। अब सर ये और बताइए कि अगर बात करें किलो के हिसाब से, 1 किलो फीड की क्या कीमत आ जाती होगी? कीमत ये 85 रुपये जी। अब सर इतनी सारी चीज़ें हमने आपसे पूछी, क्या कोई ऐसी और चीज़ है जो झींगा पालन अगर कोई कर रहा है तो उसको किसान को मुख्य तौर पर ध्यान रखनी चाहिए? ध्यान ये रखना चाहिए पंखा बंद ना हो जी, फीड की कोई दिक्कत नहीं जी। लेकिन पंखा चलना चाहिए, ऑक्सीजन की कमी ना हो, सलज निकालो, गंदगी ना हो, पीएच चेक करो जी। तो किट अपने पास होती है, 4 बूंद घेरो, पीएच चेक करो, अमोनिया है तो मीठा घेर दो उसके अंदर, अगर नाइट्रेट है कुछ तो उसके अंदर नमक डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। अब सर इसमें एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, मान लीजिए जैसे आप 1.5 लाख पाल रहे हैं, एक हाई डेंसिटी चीज़ होती है, हाई डेंसिटी मतलब कि बहुत ज़्यादा डाल दिए, मैं 1.5 लाख झींगे की जगह अगर 3 लाख डाल दूँ और कुछ ब्लोवर व्लोवर और चला दूँ तो मेरा तो उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा, क्या मैं वो नहीं कर सकता? नहीं, उसमें प्रॉफिट नहीं है। वो क्यों, मतलब कि अपना तजुर्बा बताइए उस चीज़ का। उसका तजुर्बा है कितना भी कुछ भी डाल दो, जो एरिया के हिसाब से होता है, जैसे 4 एरिएटर 3 टन माल को मेंटेन कर सकते हैं आराम से जी, जी। लेकिन 4 टन हो सकता है जी। लेकिन ज़्यादा हो जाने से वो उनको जगह नहीं मिलेगी जी। कम जगह हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब कि फायदे की बजाय नुकसान हो जाएगा? नुकसान होगा उसमें, उसमें फीड ज़्यादा खाएगा, बड़े कम का भाव कम मिलेगा जी। उसमें दिक्कत आती है।
सर यह बताइए कि अगर एक पोंड कोई बनाता है तो उस पर कितना खर्चा आ जाएगा झींगे के लिए? उसके ऊपर 50,000 रुपया तो खुदाई का लग जाता है, ठीक है, और उसके बाद में 2.5 लाख की पन्नी आती है, 1.5 लाख का रेटर आता है जी। बाकी रस्सा केबल करके बाहर के जाली लगाने पर उसके 1 लाख रुपये का खर्चा एक और आ जाता है जी। उसके बाद में सीड फीड का बाकी खर्चा रह गया। वो कई लोग क्या कम घेर लेते हैं सीड, कहीं ज़्यादा घेर लेते हैं, कोई कम दिन रख लेता है, कोई ज़्यादा दिन, तो इसका कैलकुलेशन इससे आगे निकलता नहीं। सर जो एरिएटर आप बता रहे हैं 1.5 लाख का, वो एक ही एरिएटर है कितने हैं? नहीं, 4 एरिएटर लगते हैं जी। ये एक 35-37 हज़ार का आता है एक जी। तो मतलब कि और सर इससे अलग बात करें, जैसे दूसरी चीज़ें हैं बिजली पे भी बात करते हैं, क्योंकि बिजली जैसे एरिएटर चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं, बिजली परमानेंट चाहिए होती है, तो उसका क्या खर्चा आता है? बिजली का तो 8 या 9 रुपये यूनिट का आता है, ज़्यादा खर्चा आता है बिजली का जी। पानी भरने में भी 1 लाख रुपया खर्च होता है, हो जाता है यहाँ पर। पानी भरने में 1 लाख रुपये, वो कैसे सर? लगभग जैसे बिजली का जनरेटर का खर्चा आता है जी, बिजली ना हो तो जी। अच्छा, तो 5 फुट पानी करने में। तो सर एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ इसके अंदर, कि क्या इसमें एग्रीकल्चरल वाला जो पंप होता है समर्सिबल, वे वाले नहीं चलते, इससे अलग कुछ कनेक्शन लेना था जो आप यूनिट या वो बता? अलग से है ये, अलग से है, वो नहीं मिलता, वो मिलता छोटा मिलता है, छोटी टंकी, वो काम नहीं देता यहाँ पर। अच्छा अच्छा, मतलब कि इसके लिए हमें अलग से भी एक वो लगाना पड़ेगा, पूरा कमर्शियल वाला बिजली कनेक्शन लेना पड़ेगा? हाँ, वो लेना पड़ेगा बड़ा कनेक्शन। तो उसमें कितना खर्चा आ जाता है, जैसे कमर्शियल कनेक्शन लेने से लेके अगर यहाँ पे बात करें, वो तो बहुत महंगा पड़ जाता होगा, क्या कॉस्टिंग आती होगी? वो कनेक्शन अगर करवाना हो लगभग 4-5 लाख रुपये लग जाते हैं। अच्छा, और महीने का क्या खर्चा आ जाता होगा उसमें? वो एक तालाब का जी जी नहीं, पूरा जैसे आप आपके पास 9 तालाब है, इसमें कितना खर्चा हो रहा है आपका महीने से? सिर्फ बिजली का महीने का आ जाता है मेरे डीजल का और बिजली का 2 लाख रुपये महीना। मतलब कि सिर्फ बिजली बिजली का इतना खर्चा है जी। कुछ बार डीजल भी जालते हैं ना जी जी जी, घंटा 2 घंटा जी। 9 तालाबों का है खर्चा, 2 लाख का। दिनेश जी, आप झींगा पालन के अंदर अपने पिता का साथ कब से दे रहे हैं? मैं भैया 2016 से पिताजी ने किया था, तब से ही मैं पापा के साथ में ही हूँ जी। हाँ, अब सर एक और चीज़ बताइए कि इसके अंदर झींगा पालन के अंदर आप अपना फ्यूचर किस तरीके से देखते हैं? मैं मतलब 2016 से जब से किया था, मतलब बढ़ते ही चल रहे हैं आगे से आगे आगे से आगे, तो अब मतलब जितना भी होगा आगे से आगे बढ़ते ही चलेंगे। अब इसमें एक और चीज़ बताइए कि अगर बात करें, जैसे किसान भाइयों के पास में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, उस चीज़ को अपनी मदद से और सरकार की मदद से किस तरीके से आप आगे सुधार की तरफ ले जाना चाहते हैं? इसमें जैसे मतलब बिजली का बिल है बहुत ज़्यादा है जी। जैसे बिजली का बिल हो गया, सब्सिडी होगी, अगर ये कुछ हो तो किसान को थोड़ा है फ़ायदा, मतलब कम थोड़ा बजट लगेगा, बिजली का बिल, सब्सिडी, ये जो भी है मतलब जी। अब इसमें एक और चीज़ बताइए सर, अगर कोई किसान भाई आता है झींगा पालन के बारे में जानकारी लेने के लिए या झींगा पालन करने के लिए, तो किस तरीके से आप मदद कर सकते हैं? जो मतलब मदद होगी हमारी पूरी करेंगे, सब जो जानकारी है वो पूरी देंगे। तो ये थी हमारी राजकुमार जी से बात, हमने झींगा पालन के बारे में सारी चीज़ें जानी, आप इसे कैसे पाल सकते हैं, पोंड आप कैसे बना सकते हैं, क्या क्या बीमारी होती है। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो राजकुमार जी का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे ये वीडियो हम समाप्त करते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय किसान।